देश के कठिनतम यात्राओं में से एक श्रीखंड महादेव यात्रा आधिकारिक रूप से बंद कर दी गई है। सरकार की ओर से 15 से 25 जुलाई तक इस पर आधिकारिक तौर से यात्रा चलाई गई थी। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार इस दौरान 5000 से अधिक श्रद्धालुओं ने इस यात्रा में हिस्सा लिया। देश के कठिनतम यात्राओं में से एक श्रीखंड महादेव यात्रा आधिकारिक रूप से बंद कर दी गई है। वीरवार शाम 7 बजे के बाद बेस कैंप सिंहगढ़ में पंजीकरण प्रक्रिया रोक दी गई। सरकार की ओर से 15 से 25 जुलाई तक इस बार आधिकारिक तौर से यात्रा चलाई गई थी। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार इस दौरान 5000 से अधिक श्रद्धालुओं ने इस यात्रा में हिस्सा लिया, जबकि आधिकारिक यात्रा से पहले भी करीब 7000 लोग श्रीखंड दर्शन करके आए हैं। आधिकारिक यात्रा के दौरान पुलिस सहायता, रेस्क्यू टीम, स्वास्थ्य टीम आदि सरकार की ओर से तैनात की जाती है, लेकिन आधिकारिक यात्रा के बाद भी लोग चोरी छिपे अपने रिस्क पर यात्रा करते हैं। इसमें प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं रहती है। यात्रा मार्ग जोखिम भरा है, जिसमें कि कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पंजीकरण स्थल पर तैनात राजस्व विभाग से कानूनगो ज्वाला राम ने बताया कि 15 से 25 जुलाई तक आधिकारिक यात्रा चलाई गई। इस दौरान करीब 5000 श्रद्धालु श्रीखंड दर्शन के लिए गए। उन्होंने बताया कि 17 जुलाई को विकट मौसम होने के कारण यात्रा को रोका गया था। उसके बाद यात्रा सामान्य रूप से चलाई गई और 25 जुलाई के बाद पंजीकरण बंद कर दिए। क्षेत्रीय कानूनगो बागीपुर और ये यात्रा जो है 15 से 25 तक चली प्रशासन की तरफ से। इसमें 15 से 25 तक 4740 आदमियों का पंजीकरण हुआ है। इसमें 17 तारीख को सिर्फ भारी वर्षा के कारण और भूस्खलन के कारण जो है रास्ता बंद होने के कारण जो है एक दिन के लिए 17 तारीख को बंद की गई थी। तो उसके बाद 18 तारीख से द्वारा ये काम सुचारू रूप से चला। तो आज शाम तक जो हम 7:30 बजे तक जो है इसको इस तरह से क्या नाम आगे चलने देंगे। हमीरपुर के आशीष ने बताया कि भी दूसरी बार इस यात्रा पर जा रहे हैं। यहाँ की प्रकृति की सुंदरता मन को मोह लेती है। उनकी यात्रा आज संपन्न हो रही है और अंतिम जत्थे में वो यात्रा के लिए निकले हैं। ये मेरा दूसरी ट्रैकिंग है। मेरा जो फर्स्ट ट्रैकिंग थी उसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरे को गेन हुआ यहाँ से। और यहाँ पे मतलब जहाँ जो भी मतलब यहाँ पे श्रीखंड के लिए एक बार ट्रैकिंग के लिए जाता है तो मतलब वो अपने मतलब जो अंदर के एक्सप्लेनेशन है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता, क्योंकि मतलब यहाँ पे जो अद्भुत दृश्य है मतलब ऐसे लगता है कि साक्षात भगवान जी श्रीखंड में ऊपर विराजमान बैठे हुए हैं। तो मतलब जैसे कि मतलब जहाँ से नीचे से जाते टाइम अपने को जितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जब हम शिवलिंग के दर्शन करते हैं तो ऊपर जाके मतलब एक अद्भुत अलौकिक शक्तियाँ देखने को मिलती हैं। और मतलब जैसे कि हम लास्ट ईयर हम किन्नर क्लास भी ट्रैकिंग करके आए हुए हैं और हम हर साल में कहीं ना कहीं भोले बाबा के दरबार पर जाते हैं और हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और लंगर सेवा में लगे श्रीखंड सेवा मंडल अध्यक्ष गोविंद ने बताया कि वे 25 वर्षों से आधिकारिक यात्रा के दौरान लंगर लगाते हैं। इस बार उन्होंने 9000 श्रद्धालुओं की यात्रा पर लंगर लगाने की सेवा की। जो इस वर्ष 2019 की है हमारे लिए तो विशेष थी है, क्योंकि श्रीखंड सेवा मंडल के रजत जयंती वर्ष रहा है। हमने 25वां साल हमें यहाँ पर हो गया है। हम 3 जगह यहाँ पर भोजन और रहन सहन की व्यवस्था और दूसरी जो सुविधाएं जुटा पाते हैं वो हम प्रयत्न करते हैं कि श्रद्धालुओं को दें। लगातार 25 साल से ये प्रोसेस चला हुआ है हमारा। और हमने 32 किलो चावल से स्टार्ट किया था 1995 में और अब हम 70 क्विंटल तक जा करके पहुँचे हैं। 15 तारीख से इस बार हमने शुरू किया, यूँ तो 12 तारीख से शुरू हो गया था पर आधिकारिक रूप पर यात्रा 15 से शुरू हुई और 25-28 को यात्रा समाप्त होनी है। ये